अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं डॉक्टर हाफिज शेख सैफ अहमद स्पाइन एंड जॉइंट कायरोप्रैक्टिक क्लिनिक से। हमारे यहाँ पे आपको टोटल जितने भी आपको पेन्स रहेंगे, अगर 20 साल पुराना भी दर्द है आप आइए, इंशाल्लाह आपको टोटल पूरा ट्रीटमेंट 100% मिलेगा। या सैटिका का प्रॉब्लम रहने दीजिए, लोअर बैक पेन, अपर बैक पेन, आपको शोल्डर पेन, फ्रोजन शोल्डर, कैसा भी पेन रहने दीजिए, इंशाल्लाह आपको पूरा ट्रीटमेंट मिलेगा। शिफा देने वाली रात तो ऊपर वाली है, बस आपको इंशाल्लाह अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट मिलेगा। दिए गए नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, बहुत ही मोहतमाना गुजारिश है कि आप इस वीक आपको मुबारक, आपका पास आपको मुबारक, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, नमस्कार। चल जाएंगे हमारे साथ, मुझे तो ताज्जुब हुआ कि अचानक आपको अभी पता चला कि ऐसा बी टीम है करके। आपने खुद ने कहा कि मैं 10 साल से तो इस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, हमने जरा सा पद क्या हटा दिया तो अचानक आप हमको है तो किसी पार्टी के साथ जोड़ना शुरू कर डाले है करके, यानी कि मतलब आपको अभी पता चला है ऐसी चीज है करके। उसमें देखिये, राजनीति के अंदर होता है कि आपको हटना पड़ता है, किसी दूसरे को जगह देनी पड़ती है। हमने सिर्फ इतना काम किया, उन्हें इलेक्शन लड़ना था, हमने कहा कि अब आप इलेक्शन लड़िए, बंबई की जिम्मेदारी हम किसी और के ऊपर, तो इस तरह के अब इल्जाम लगाना शुरू कर डाले। बड़ी हैरानी की बात है, पहले क्यों नहीं चले गए अगर इसी तरह का, अगर जो इल्जाम आपने नारे लगाकर अगर आप गए है तो। देखिए, मैं नहीं समझता हूँ, लोगों को खुद समझ में आ रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया है ना, ये आरोप कब लगा रहे हैं कि जब मैंने कहा आपसे कि साहब आप आपकी पोस्ट ये नहीं रहेगी तो फौरन आप इल्जाम लगाना शुरू कर दें। इतने सालों से तो आप जुड़े हुए थे ना हमारे साथ, तो कोई नुकसान नहीं है, आवाम होशियार है। देखिये, अब ये फैसला जो है ये पार्टी के अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब, इसके ताल्लुक से जो भी फैसला लेंगे हम सबको मानना होगा, लेकिन ये है कि पार्टी के अंदर अगर डिसिप्लिन नहीं रहा तो पार्टी कभी आगे नहीं बढ़ सकती। तो नाजरीन, इजाजत दीजिए और बने रहिए हम सब की आवाज RH9 न्यूज के साथ। चैनल को लाइक कीजिए, जितना हो सका ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। खुदा हाफिज़।